अरे बाप रे यार, ये पिक्चर क्यों देख रही है? 100 बार देख चुके हैं हम। तो तू मत देखना, मैं तो देखूंगी। कुछ करने का मन कर रहा है पर समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तू बस मुंह बंद कर ले अपना। ओह नो, उधर देखो उधर। ओ मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है। क्यों, ऐसा क्या देख लिया? बजनू भाई की पेंटिंग। मतलब अब तू भी गधा घोड़ा बनाएगी? वो मुझे तेरी शक्ल नहीं बनानी ना। हाँ हाँ, वेरी फनी, आगे बता। अरे मैं ये कहती कि चल आज हम पेंटिंग्स बनाते हैं, अपने दोस्तों को कुछ पेंटिंग हैक्स भी बताते हैं ताकि ये भी पेंटिंग बना सके। तो अब जल्दी जा, मेरे लिए सारा सामान लेकर आ पेंटिंग का। और जब तक मैं सामान लेकर आती हूँ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जा यार, मैं वेट कर रही हूँ। और हाँ, घंटी भी बजा दो जल्दी से। Just right in the morning, like a warning. तो इस सुंदर से ट्री को बनाने के लिए हमें चाहिए एक शीट और कुछ स्केच पेन्स जिसके ढक्कन ऐसे हो। तो सबसे पहले स्केच पेन को उल्टा करके उन्हें रबर बैंड से सिक्योर करना है। स्केच पेन को अच्छे से सिक्योर करने के बाद एक प्लेट में अपने मनपसंद के वाटर कलर लेने हैं और ढक्कन पर इस तरह से कलर लगाकर शीट पर डैब डैब करते जाएं। ब्राउन कलर की हेल्प से उसके स्टेम्स बना लेते हैं। और थोड़ा व्हाइट कलर मिक्स करने से इसमें एक रियल लुक आ जाएगा। और ये लो, एक ब्यूटीफुल पेंटिंग इतनी जल्दी बनके तैयार हो गई। चलिए अब बनाते हैं ये ब्यूटीफुल सी सन पेंटिंग। सबसे पहले शीट के थोड़े पार्ट में ब्लू कलर करना है, फिर उससे नीचे पिंक कलर करना है। तो ये तो हो गया, अब बारी है येलो कलर की। तो शीट के आधे से ज्यादा पार्ट में येलो कलर कर देना है, बस नीचे से थोड़ा और ऊपर से थोड़ा गैप छोड़ देना है। अब पिंक और येलो के बीच में जो थोड़ा गैप था ना, वहाँ पे रेड कलर फिल करके अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि एक ऑरेंज लुक आ जाए, वो सनसेट का फील दे हमें। नीचे का जो थोड़ा पार्ट बचा था वहाँ पर व्हाइट कलर करना है और व्हाइट और येलो को अच्छे से मर्ज कर देना है। परफेक्ट सन बनाने के लिए हमने लिया एक सर्कल कैप, उस पे किया व्हाइट वाटर कलर और इस तरह सन बना लिया। अब ब्लैक कलर की हेल्प से इस तरह माउंटेन बनाने हैं। साथ ही छोटे छोटे ट्री भी बना लो। अरे भाई, इतनी सुंदर पेंटिंग है, हम बर्ड बनाना कैसे भूल सकते हैं? तो जल्दी जल्दी इस तरह बर्ड्स भी बना लो। वाओ, कितनी सुंदर पेंटिंग लग रही है ना, मतलब आपके घर को तो क्या ही लुक देगी ये पेंटिंग, गजब ही लग रही है। Baby, तो चलिए अब बनाते हैं ये सुंदर सी यूनिकॉर्न पेंटिंग। तो सबसे पहले आधी शीट पर ऐसे वर्टिकली ब्लू कलर करना है। अब वॉलेट में व्हाइट कलर मिक्स करके बनाना ये सुंदर सा पर्पल कलर और उसे आधी से थोड़ी कम शीट पर फिल कर देना है। अब लेना है पिंक कलर और उसे पर्पल के नीचे फिल करना है। पिंक कलर की शेडिंग देने के बाद हमें लेना है इस तरह से स्पॉन्ज, उसे करना है पिंक कलर में इस तरह डैब और शीट पर इस तरह डैब डैब करके शेडिंग दे देनी है। ऐसा करने से पेंटिंग में एक अलग शेडिंग आएगी और ब्रश से पेंट करने में जो लाइंस आ जाती है ना, वो भी छिप जाएगी। थोड़ी सी व्हाइट कलर की भी शेडिंग दे देते हैं। तो बस इस तरह से व्हाइट कलर की शेडिंग देनी है।
सारे कलर्स को अच्छे से मर्ज करना है ताकि वो अलग अलग ना दिखे। तो शीट तो पूरी हो गई, पर अब बारी है क्लाउड्स बनाने की। तो व्हाइट कलर से बनाना है इस तरह से क्लाउड्स, और स्पॉन्ज की हेल्प से इस तरह से उन्हें स्प्रेड कर देना है, और बस यही प्रोसेस आपको 3 से 4 बारी करना है। स्प्रे बॉटल में व्हाइट कलर फिल करना है और इस तरह शीट पर स्प्रे कर देना है, और जहाँ जहाँ थोड़े बड़े डॉट्स गिरे हैं ना, वहाँ पर इस तरह स्टार्स बना देने हैं। अब ब्लैक कलर की हेल्प से बनाने हैं ग्रास, और साथ ही बनाना है एक यूनिकॉर्न। पर यूनिकॉर्न बहुत सेफली बनाना है यार, क्योंकि यूनिकॉर्न के ऊपर ही तो है पूरी पेंटिंग, अगर वही खराब हो गया तो पूरा ही खराब हो जाना है ना। यूनिकॉर्न हुआ कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी पेंटिंग भी कंप्लीट हुई। यार ऐसी पेंटिंग ना आपको मार्केट में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, इसलिए यहाँ पे इतने छोटे छोटे हैक्स ट्राई करके जल्दी से सारी पेंटिंग्स बना लो। यार गुड वाइब्स किसे नहीं पसंद होती है, तो चलिए गुड वाइब्स की एक पेंटिंग भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले शीट के थोड़े पार्ट में करना है गोल्डन कलर, तो गोल्डन कलर फिल होने के बाद उसके ऊपर करना है हमें स्काई ब्लू कलर। अब स्पॉन्ज की हेल्प से दोनों कलर को आपस में मर्ज कर देना है। दोनों कलर को आपस में मर्ज करने के बाद सबसे ऊपर वाले पार्ट पे करना है हमें ग्रीन कलर। अब ब्लू और ग्रीन को भी आपस में स्पॉन्ज की हेल्प से मर्ज कर दो। तो लो जी, शीट तो कवर हो गई कलर से, अब इस पे जो मर्जी लिखो। भाई हमने तो गुड वाइब्स लिखा है, क्योंकि गुड वाइब्स ही पसंद है हमें। ये लाइक वाली पेंटिंग देखने में कितनी हार्ड लग रही है ना, पर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें किया है हमने एक बहुत बढ़िया हैक। तो सबसे पहले एक बाउल में लेना है थोड़ा सा पानी, और लेनी है एक प्लास्टिक शीट। अब प्लास्टिक शीट पर इस तरह ब्रश की हेल्प से पानी को स्प्रेड करना है, और पानी स्प्रेड होने के बाद इस तरह अपने मन पसंद कलर के डॉट्स बना देने हैं, और पेस्टल कलर यूज करोगे तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। तो डॉट्स तो बन गए, अब लेनी हमें अपनी पेंटिंग शीट। अब प्लास्टिक शीट को अपनी पेंटिंग शीट पर इस तरह रख कर प्रेस करके पूरे कलर स्प्रेड कर देने हैं, और बस कलर स्प्रेड होने के बाद प्लास्टिक शीट हटा लो, और उसके ऊपर लिख दो जो मर्जी लिखना है आपको। भाई हमने तो लाइक लिखा है, क्योंकि हमें आपसे लाइक चाहिए, वो भी भर भर के। ये छोटे छोटे हैक्स फॉलो करके आप बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बना सकते हो, और अपने घर को सुंदर बना सकते हो। Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm into deep into. तो अब बनाएंगे हम ये सुंदर सुंदर कैंडल्स। तो इसके लिए हमें चाहिए ऐसे ग्लास, कलर पाउडर, सिल्वर स्पार्कल, कैंडल थ्रेड और वैक्स जेल। तो सबसे पहले गैस ऑन करके उस पे रखना है कोई भी बर्तन, फिर उसके अंदर रखना है एक ग्लास, और ग्लास के अंदर डाल देना है हमें वैक्स जेल, ताकि वो पिघल जाए। और अगर आपके पास वैक्स जेल नहीं है तो आप पुराने कैंडल भी यूज कर सकते हो। तो जब तक जेल पिघल रहा है, तब तक हम ग्लास में डाल देंगे कलर पाउडर और थ्रेड। लो जी, वैक्स मेल्ट हो गया, तो चलिए अब इसे ग्लास में डालते हैं। ऊपर से डालना है स्पार्कल, और एक्स्ट्रा थ्रेड कर देना है कट। अरे अब क्या वेट कर रहे हो, खत्म हो गया, इतना ही था बस। लो अपना घर सजाओ अब इससे। yeah.
attention's gone now and that you won't come back. क्यूट से सुंदर से यूनिकॉर्न को बनाने के लिए एक चार्ट पेपर लो और उस पर ड्रॉ करो ये यूनिकॉर्न। अब यूनिकॉर्न में लगने वाले ये फ्लावर्स बनाते हैं। बस लेना है वही काइट पेपर और इसे चार बार फोल्ड कर दें। इस पर सर्कल का थोड़ा सा शेप दे दो और उसे कट कर दो। देखा, अच्छी ट्रिक थी ना एक से ज्यादा पेपर सर्कल बनाने के लिए। अब एक पेपर सर्कल को हाफ फोल्ड करो। अब इसे इतने टाइम तक फोल्ड करना है कि उसका लास्ट फोल्ड एंड ना हो जाए। अब इसे ओपन किया, लो आपका फूल तैयार है। देखने में अजीब लग रहा है ना, पर जब ये लगेगा ना तब आपको पता चलेगा कि हमने ऐसा क्यों किया। ऐसे बहुत सारे फूल बना लो। ड्रॉ की गई यूनिकॉर्न की लाइन पर थोड़ा सा फेविकोल लगाओ। अब इस फूल को सेंटर से पकड़ा और इस फूल के सेंटर को लाइन पर एक एक करके पेस्ट कर दो। जहाँ जहाँ लाइन गई है यूनिकॉर्न की, वहाँ वहाँ इस पेपर फ्लावर को पेस्ट कर दो। और ज्यादा गैप देकर पेस्ट ना करें, वरना यूनिकॉर्न का शेप नहीं आएगा। यूनिकॉर्न के हॉर्न के लिए लेना है चार्ट पेपर और इसे इस तरीके से फोल्ड कर दें। आखिरी हिस्से पर इसे फेविकोल से चिपका दें। हॉर्न पर किया हमने गोल्डन पेंट और इसे यूनिकॉर्न के हेड पर पेस्ट कर दें। जैसे व्हाइट फ्लावर बनाए थे वैसे ही कलरफुल फ्लावर बना लो और इसे यूनिकॉर्न की आउटसाइड में इस तरीके से पेस्ट करते जाओ। ब्लैक पेपर से बना ली इसकी आईज। अब इस पूरी शीट को कार्टन पर पेस्ट कर दें, क्योंकि जब आप इसे काटने के बाद लगाएंगे तो ये आराम से कहीं भी ठहर जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये पेंटिंग और पेंटिंग हैक्स, हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।